हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें गामा फंक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज इंटीग्रल कैलकुलस का 16th लेक्चर है। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें इंटीग्रल कैलकुलस में गामा फंक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, शो दैट इफ एन ग्रेटर देन माइनस वन, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस के स्क्योर एक्स स्क्योर डी एक्स इक्वल टू वन बाय टू के टू द पावर एन प्लस वन, गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन बाय टू, हेंस इवेल्युएट इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्योर डी एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड जहां पे इंटीग्रल है, हम ये इंटीग्रल को गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर हम यहां पे राइट हैंड साइड आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पे गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो देखिए। गामा फंक्शन ऑफ एन इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इनफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। देखिए ये है गामा फंक्शन ऑफ एन का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स ये गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रल का। अगर आप गिवन इंटीग्रल को, ये जो गिवन इंटीग्रल है, गिवन इंटीग्रल को अगर आप ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आसानी से फिर आप राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम यहां पर ले लेंगे। तो चलो यहां पर हम लेंगे LHS। LHS में क्या लिखा है, इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी x टू द पावर n इंटू ई टू द पावर माइनस के स्क्योर एक्स स्क्योर इंटू डी एक्स। देखिए ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड और हमने जैसा कहा है कि ये इंटीग्रल को हमें वो इंटीग्रल के फॉर्म में सेट करना है। तो अगर ये दोनों को अभी कंपेयर करेंगे तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे। यहां पे इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी है, यहां पे भी जीरो टू इन्फिनिटी है, ओके। यहां पे e टू द पावर माइनस एक्स है जबकि यहां पे e टू द पावर माइनस के स्क्योर एक्स स्क्योर है। तो ऐसा नहीं, हमें यहां पे e टू द पावर माइनस एक्स के फॉर्म में ही चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, ये जो e का जो पावर है माइनस स्क्योर स्क्योर स्क्योर, इसके जगह कोई दूसरा वेरिएबल हम पुट कर लेंगे। तो चलो हम यहां पर रिप्लेसमेंट करेंगे, पुट हम क्या करेंगे, k स्क्वायर x स्क्वायर के जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे एज अ t। ये जो सिर्फ k स्क्वायर x स्क्वायर है इसके जगह t रिप्लेस करो। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो फिर उसको डिफरेंशिएट करो। तो यहां पे अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा t बाय k स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमने x स्क्वायर का वैल्यू निकाले, हमने क्या किया k स्क्वायर को इधर लेके गए डिवाइड में चला गया। और अब अगर यहां से x अगर फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा रूट टी डिवाइडेड बाय के, ये सिर्फ ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली जैसा हमने कहा था कि x का वैल्यू हमें चाहिए तो हमें x का वैल्यू यहां पे मिल गया। क्या मिल गया, रूट टी बाय के। आप इसको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं या पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो यहां पे ये जो रूट टी है ये रूट टी के जगह आप यहां पे टी टू द पावर वन बाय टू ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमने यहां पे x जो है वो फाइंड आउट कर लिए इन द फॉर्म ऑफ टी। यहां पे भी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के जगह टी रखना है, ये हमने बता दिया आपको। और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो x है, ये जो x का टर्म है इसको डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए ये x का डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड में हो जाएगा dx और राइट साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो t टू द पावर 1 बाय 2 है तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 t टू द पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू dt, ये ऐसा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में k है वो तो कॉन्स्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, ओके। और अब यहां पे हम क्या करेंगे, dx इक्वल टू ये जो 1 बाय 2 का जो 2 है वो डिनोमिनेटर में लेके आओ तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 k, ठीक है, इंटू ये t टू द पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू dt। फाइनली हमने dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए इन द फॉर्म ऑफ t, सब कुछ हमें t के फॉर्म में यहां पे लिखना है तो ये हमने पता कर लिए, ओके। यहां पे ये डिफरेंशिएशन समझ में आया कि आपको t टू द पावर 1 बाय 2 को डिफरेंशिएट कैसे किए, इसके लिए हमने डिफरेंशिएशन का सिंपल फार्मूला यूज किया। जैसे t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, देखिए अगर आपको t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, n t टू द पावर n माइनस 1 ऐसा हो जाएगा ना। तो बिल्कुल हमने उसी फॉर्म में किया है। तो यहां पर टी टू द पावर 1 by 2 है, इट मीन्स t टू द पावर n के फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले n हमने बाहर निकाले, देन हमने जो पावर है वो हमने 1 से कम किए। तो पावर में यहां पे 1 by 2 है तो 1 by 2 माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 1 by 2 होता है, तो यहां पे माइनस 1 by 2 आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज करके हमने डिफरेंशिएशन कर लिए। और अब
यहां तक लाने के बाद अब हमें यहां लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ये जो लिमिट है यहां पे देखिए इंटीग्रेशन का, ये जो लिमिट है ये x का लिमिट है, लेकिन अगर हम इसको t के फॉर्म में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमें यहां पे t का लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो t का लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, काफी सिंपल है। x का लिमिट 0 है और x का लिमिट इंफिनिटी भी है, तो देखते हैं इसके लिए t का रिस्पेक्टिव लिमिट क्या आता है। ये x का लोअर लिमिट, ये x का अपर लिमिट। तो x का लोअर लिमिट अगर 0 है तो ये जो 0 है वो यहां पे रखो, ये जो x का ये जो इक्वेशन है इसमें x का वैल्यू 0 रखो। यहां पे अगर आप 0 रखते हैं तो k इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा और t का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो फाइनली t का हमें लोअर लिमिट मिल गया 0। ठीक है, x का वैल्यू जब यहां 0 रखे तो t का वैल्यू भी 0। अब x का वैल्यू इंफिनिटी, देखो ये x का अपर लिमिट इंफिनिटी है वो यहां पे रखो। अगर आप यहां पे x का वैल्यू इंफिनिटी रखते हैं तो t का वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे t का वैल्यू भी इंफिनिटी। तो हमने लिमिट यहां पर चेंज कर रहे हैं, ये x का लोअर लिमिट, ये t का लोअर लिमिट, ये x का अपर लिमिट, ये t का अपर लिमिट। ओके, तो फाइनली रिप्लेसमेंट क्या करना है वो हमने आपको पूरी तरह से बता दिए और अब हम फाइनली इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे। तो देखिए रिप्लेसमेंट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन पहले x के फॉर्म में था वो अब हमें t के फॉर्म में लिखना है। तो लिमिट जो है वो हम यहां पर रखेंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी फिर से वही रहेगा क्योंकि ये x का लिमिट था और t का लिमिट रखने के बाद वो भी 0 टू इन्फिनिटी है, तो वो हमने यहां रख दिए। देन x टू द पावर n है तो x के जगह हमें ये टर्म रखना है t टू द पावर 1/2 by k, तो हम यहां पे लिखेंगे t टू द पावर 1/2 by k और अब इसका पावर हम n लिखेंगे। ठीक है, x टू द पावर n के फॉर्म में है तो x के जगह हमने ये टर्म लिखे x टू द पावर n के फॉर्म में। देन e टू द पावर -k² x² है और जैसा हमने कहा था कि k² x² के जगह t रखना है, तो ये हो जाएगा इनटू e टू द पावर -t। ओके, तो जैसा हमने कहा था कि e टू द पावर माइनस के फॉर्म में आना चाहिए तो वो यहां पे हमने ला लिए हैं। और अब यहां पे dx है, dx के जगह हमें ये टर्म लिखना है 1/2 k t टू द पावर, तो हम लिखेंगे 1/2 k इंटू t टू द पावर -1/2 dt। ओके, तो ये हमने लिख दिए, ये जो टर्म है ये टर्म हमने यहां पूरा लिख दिए और अब हमें इसको सॉल्व करना है और देखना है कि ये गामा फंक्शन के फॉर्म में आता है कि नहीं। देखो अभी भी ये दोनों इंटीग्रल को कंपेयर करो, क्या ये गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, नहीं। ये देखिए ये जो हमने आपको डेफिनेशन बताए थे गामा फंक्शन का, इसमें जो इंटीग्रल है और ये जो इंटीग्रल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं। क्या कांस्टेंट है, तो यहां पे जो के है वो कांस्टेंट है, तो के को पहले बाहर ले लो। लेकिन के को बाहर लेने के पहले थोड़ा इसको सॉल्व तो करो, 0 टू इन्फिनिटी, देन ये हो जाएगा टी टू द पावर एन बाय टू बाय के टू द पावर एन, ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी इंटू 1/2 k इंटू टी टू द पावर -1/2 dt। ठीक है, हमने यहां पे सिर्फ ये पावर को यहां पे स्प्लिट अप कर दिए, बाकी जो टर्म्स है वो हमने एज इट इज रखे और अब ये दोनों k को मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर और ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1/2 k to the power n+1। ठीक है, ये k और 2k तो ये हो गया 2k और यहां पे जो पावर है वो हमें ऐड करना पड़ेगा, इसका पावर n है तो इसका पावर 1 है, तो दोनों को ऐड करने के बाद n+1 और इंटीग्रल क्या क्या बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज है और ये एक्सपोनेंशियल टर्म हम पहले लिखेंगे e टू द पावर -t और ये दोनों t को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां दोनों t जो है वो पास पास में लिख लो, t टू द पावर n/2 और ये है t टू द पावर यहां पे -1/2 dt। ओके, ये t टू द पावर n/2 कैसे आया, समझ में आया? तो हमने क्या किए, जब हमने इसको पावर ले लिए थे तो यहां पे t टू द पावर 1/2 का पावर n है तो वो हो गया n/2। ठीक है, पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो गया तो n/2 ऐसा हो गया। और अब इतना होने के बाद देखो, अगर यहां तक एक्सटेंड हो चुका है तो यहां पे आप सबसे पहले प्रूफ दैट का जो इक्वेशन है इसको चेक करो। प्रूफ दैट की इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है उसमें 1/2 k to the power n+1 यहां पे आ चुका है, देखो ये टर्म आ चुका है। इसका मतलब हमें अब इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये इधर इंटीग्रल को सॉल्व करना है और ये इंटीग्रल को गामा फंक्शन के डेफिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमें ये गामा फंक्शन का टर्म मिल जाएगा। अब ये कैसे होता है चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जो पहला टर्म है वो एज इट इज रखो, जैसा हमने कहा था कि इसको कुछ नहीं करना है। और अब यहां पर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t ये भी एज इट इज रहने दो, ये दोनों t को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये t टू द पावर ये है n/2 -1/2, ठीक है,
इनटू डीटी। तो ये टर्म, ये जो स्टेप है, ये स्टेप के तरफ आप ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। हमने क्या किया, दोनों टी को मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों टी को मल्टीप्लाई करके सिंगल टी आ गया, और इसका पावर और इसका पावर हमने सब्सट्रैक्ट कर लिए क्योंकि बीच में माइनस है। और अब ये माइनस होने के बाद देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे, बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। 2k टू द पावर n प्लस 1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t इंटू t टू द पावर, ये हो जाएगा n माइनस 1 बाय 2 इंटू dt। ठीक है, हमने यहां तक एक्सटेंड कर लिए। और अब ये दोनों को कंपेयर करो, ये इंटीग्रेशन और ये जो इंटीग्रल है, ये और ये दोनों इंटीग्रल को कंपेयर करो, क्या ये दोनों मैच करते हैं? ये दोनों मैच पूरी तरह से नहीं करते हैं। देखो, यहां पे इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी है, यहां भी है, यहां e टू द पावर माइनस एक्स है, यहां e टू द पावर माइनस टी है, यहां dx है, यहां dt है, यहां x टू द पावर n माइनस 1 है, यहां लेकिन यहां पे t टू द पावर n माइनस 1 तो है लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं है, तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमें कुछ इसको ऐसे सॉल्व करना है ताकि n माइनस 1 के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, देखिए हमें इसको थोड़ा सा यहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट इस तरह से करना है कि मीनिंग वही रहे लेकिन n माइनस 1 के फॉर्म में आ जाए। तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इज 1 बाय 2k टू द पावर n प्लस 1 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t इंटू t टू द पावर, अब हम इसको लिखेंगे दैट इज n प्लस 1 बाय 2 और माइनस 1 इंटू dt। ठीक है, हमने इसको ऐसा लिखा है। देखिए अब ये स्टेप की तरफ आप ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पे पहले t टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 था लेकिन यहां पे t टू द पावर n प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 हमने ऐसा लिखे। हमने ऐसा क्यों लिखे, ताकि x टू द पावर n माइनस 1 ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ऐसा आना चाहिए इसलिए। लेकिन हमने ये जो अरेंजमेंट यहां पे किए हैं ये करेक्ट है कि नहीं वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। चलो ये पूरे फ्रैक्शन को, ये पूरी इसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद यही आंसर आता है कि नहीं। हमें रफ में सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्या लिखा है हमने, एन प्लस 1 बाय 2 माइनस 1, तो ये ऐसा है, देखिए एन प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 ये हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, और अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा दैट इज n प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2। और अब न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा, एन एज इट इज रहेगा, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 रहेगा डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये रिजल्ट बच गया, क्या बचा है, n माइनस 1 बाय 2। इसका मतलब ये जो है n माइनस 1 बाय 2 जो बचा है। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद ये ऐसा आया है। अब आपके मन में आएगा कि ये हमने लिखते समय क्या सोच के लिखे, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 बाय 2, तो ऐसा चाहिए था, तो हमने n माइनस 1 के फॉर्म में रखना है, तो हमने n प्लस 1 बाय 2 ये जो दिया हुआ है हमने सीधा हमने ऐसा लिख दिए। और सॉल्व करके देखे कि क्या ये बिल्कुल वही आंसर आता है, तो हमने सॉल्व करके देखने के बाद बिल्कुल वही आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो कई सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन में ही दी होती है, तो क्वेश्चन से आपको वो चीजों से हिंट मिल जाएंगी और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट होने के बाद अब ये दोनों को कंपेयर करो, क्या ये दोनों मैच करते हैं, यस बिल्कुल ये दोनों मैच करते हैं, बिल्कुल मैच करते हैं। ये देखिए इंटीग्रल मैच कर रहा है, एक्सपोनेंशियल मैच कर रहा है, यहां एक्स टू द पावर एन माइनस 1 है, यहां टी टू द पावर एन माइनस 1 के फॉर्म में आ चुका है। ये जो ब्रैकेट है ये पूरा एज अ एन है, ठीक है, एन माइनस 1 के फॉर्म में आ चुका है, इंटू डी टी है, यहां पर डी एक्स है, ये पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ एक्स है, ये पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ टी है। तो फाइनली अब हम इसके जगह गामा फंक्शन का ये जो डेफिनेशन है, हमने जैसा लिखा है गामा फंक्शन ऑफ एन, ये इंटीग्रल की जगह जैसे गामा फंक्शन ऑफ एन लिख सकते हैं, वैसे यहां पे भी ये इंटीग्रल की जगह गामा फंक्शन ऑफ ये ब्रैकेट लिख सकते हैं, तो हम वो लिखेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इज 1 बाय 2k टू द पावर n प्लस 1 इंटू, और अब जैसा हमने कहा था कि इसके जगह हम गामा फंक्शन लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 बाय 2। तो फाइनली ये इंटीग्रल के जगह हमने गामा फंक्शन यहां पे लिख दिए। और अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो हमें रिजल्ट मिला है यही ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। देखो जो राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करना था तो वो हमने यहां पे प्रूफ कर लिए। तो हम यहां लिखेंगे कि यही RHS है, तो इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहां पे लिख देंगे। तो फाइनली
क्वेश्चन में जो मेन जो इक्वेशन दिया था वो हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रूफ करने के बाद हमें कुछ इवेल्युएट करने के लिए क्वेश्चन में कहा था, यहां लिखा है हेंस इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, हमें इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर कंसिडर जो हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा है वो हमें यहां पर लिखना है कंसिडर दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है, जिसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है वो हमने ले लिए। और अब हमें काम करेंगे, ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल को गिवन ये जो इक्वेशन था ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड के इंटीग्रल के फॉर्म में हम इसको पहले सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, देखिए यहां पर देखिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, यहां भी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, देन यहां पर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्सपोनेंशियल के पहले x टू द पावर n है, जबकि यहां पे x टू द पावर n ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें यहां पे कुछ रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हम लिखेंगे x टू द पावर 0 इंटू ई टू द पावर, देखिए हमने x टू द पावर 0 लिखे, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जैसा कहा था कि गिवन इंटीग्रल ये जो इंटीग्रल है हमें इसको इसके लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में हमें अगर सेट करना है तो हमें x टू द पावर n के फॉर्म में चाहिए था, तो हमें यहां पे x टू द पावर n के फॉर्म में मिल गया, इसलिए हमने यहां पे ऐसा लिखे ताकि वो x टू द पावर n के फॉर्म में दिखे। तो यहां पे x टू द पावर 0 हमने लिख दिए, तो फाइनली हमने ये टर्म लिख दिए, देन e टू द पावर माइनस k स्क्वायर x स्क्वायर है, जबकि यहां पे सिर्फ e टू द पावर माइनस x स्क्वायर है, तो यहां पे इसका मतलब ये है कि k का वैल्यू यहां पे 1 है, तो हम यहां पे लिखेंगे e टू द पावर माइनस यहां पे 1 का स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो ये जो हमने इंटीग्रल बनाया है ये इंटीग्रल हमने ये इंटीग्रल को देख के बनाया है, एक्स टू द पावर एन चाहिए था तो हमने एक्स टू द पावर 0 लिख दिए, और यहां पे के स्क्वायर चाहिए था तो हमने 1 स्क्वायर ऐसा लिख दिए, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही इंटीग्रल बनता है। और अब यहां पे जैसा हमने कहा था कि एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू यहां पे 0 है, और के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू यहां पे के स्क्वायर माने यहां पे 1 स्क्वायर है, इट मींस के का वैल्यू इनडायरेक्टली 1 है। ये हमने ऐसा k और n ऐसा क्यों लिखे, वो इसीलिए क्योंकि जब हमने ये इंटीग्रल को सॉल्व किए थे तो ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आता है, देखो ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद ये जो रिजल्ट है वो आया है जो कि k और n के फॉर्म में है, तो फाइनली ये जो इंटीग्रल है इसका रिजल्ट भी k और n के फॉर्म में आएगा, तो वो रिजल्ट ये कुछ ऐसा होगा 1/2k टू द पावर n प्लस 1, तो हम लिखेंगे 1/2k, k का वैल्यू 1 इंटू दैट इज n प्लस 1, इट मीन 0 प्लस 1, ओके, देन गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 0 + 1/2, ठीक है। ये देखिए ये जो हमने लिखा है रिजल्ट, ये रिजल्ट हमने ये रिजल्ट देख के लिखा है, ठीक है, यहां पे जहां पे के और एन था बस हमने वहां पे जो ये वैल्यू हमने जो निकाले हैं वो वैल्यू हमने पुट कर दिए, और अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये गामा फंक्शन ऑफ 1/2, तो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 क्या होता है, रूट पाई होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/2 इंटू रूट पाई, और अगर आप इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज रूट पाई बाय 2, हम इसको ऐसा लिखेंगे, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इज गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई होता है, ये आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। ये इंटीग्रल कैलकुलस में गामा फंक्शन के फार्मूले के टाइम हमने बताए थे, जो हमने इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर लिए थे, फर्स्ट लेक्चर में हमने गामा फंक्शन के सभी फार्मूले आपको एक्सप्लेन करा के दिए थे, उसमें हमने ये फार्मूला बताए थे, तो वो हमने यहां पर यूज किया है। तो फाइनली जिसका जो इंटीग्रल का वैल्यू हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा था वो हमने यहां इवेल्युएट कर लिए, रूट पाई बाय 2 ऐसा उसका आंसर आया है। प्रॉब्लम यहां पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था इंटीग्रल कैलकुलस का आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 16। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।